क्या अंतर आया जम्मू कश्मीर को, उन बेटियों से पूछिए। जम्मू के विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक बहन पढ़ती हैं, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैं जब जम्मू कश्मीर में था, उनका बंगाल में विवाह हुआ, जीवन की एक दुर्भाग्यशाली घटना घटी, परिवार के अंदर उनके पति नहीं रहे, उनको वापिस आना पड़ा, उनके बच्चे साथ आ गए। थोड़े दिन बाद बच्चे जब पढ़ना शुरू हुए, थोड़ा उच्च शिक्षा के लिए जाना शुरू हुए, तो ध्यान में आया कि पीआरसी चाहिए। पीआरसी के लिए वो गए तो उन्होंने कहा कि आपका विवाह बाहर हो गया है और आपके पति वहां से थे, इसलिए आपके बच्चों को पीआरसी नहीं मिल सकता। उसके जीवन की दुर्भाग्यपाली घटना घट गई, वो अपने माता पिता के पास वापिस आ गई, अपनी मेहनत से आकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करना चाहती थी, लेकिन उनके बच्चों को जम्मू कश्मीर के अंदर बसने का अधिकार नहीं था। जीवन में परिवर्तन आया, वेस्ट पाक रिफ्यूजी से पूछिए, और जिनकी चार पीढ़ियां बीत गई। भारत में उस समय 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित होकर आए, देश के अलग अलग कोनों में भी गए, उनमें से कुछ दुर्भाग्यशाली लोग थे जो जम्मू कश्मीर में आ गए। वो पड़ोसी थे, सियालकोट के ही थे, जिनके बॉर्डर लगते थे, सीमाएं तो हमने खींची थी, उनकी रिश्तेदारियां इधर ही थी। उनके रिश्तेदारों ने कहा कहीं और क्यों जाते हो, यहीं आ जाओ ना, हम मिल जाल कर रोटी खा लेंगे, बांट लेंगे। उनको मालूम पड़ा कि उनको कोई अधिकार नहीं मिल सकता। ये 1954 का आर्डर हो गया, उस 1954 के आर्डर के अंदर एक ब्लैंकेट बैन लग गया कि 1944 के अंदर जम्मू कश्मीर का जो रेजिडेंट था, केवल उनके बच्चों को ही पीआरसी मिलेगा। ये लोग 1947 से वहां आ गए थे, 1954 के बाद इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया, इनकी चार पीढ़ियां बीत गई। किसी ने उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, उसका हेडिंग दिया आजाद देश के गुलाम लोग। देश आजाद हो गया लेकिन उनकी गुलामी नहीं खत्म हुई। जीवन में परिवर्तन आया, वो राधिका गिल से पूछो, वो सफाई कर्मचारियों से पूछो, वो हजारों परिवारों से पूछो जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की निष्काम सेवा की, और वो निष्काम सेवा करने का परिणाम उनको ये मिला कि चार पीढ़ियां बीतने के बाद भी उनको जम्मू कश्मीर में एक डिग्निफाइड जीने के लिए, जो सामान्य मानव अधिकार होते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, जो जन्म लेने के कारण से उनको मिलते हैं, वो मानव अधिकार भी उनको प्राप्त नहीं हुए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं थे, वो मानव अधिकार थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया।